हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सैंपल पेपर के बारे में या फिर अकाउंटेंसी के टर्म वन के पेपर के बारे में कि वो टर्म वन का पेपर कैसे आने वाला है आपका। और जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग का सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा हम एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह से उसने सैंपल पेपर डिजाइन करा है हमारे सीबीएसई ने। आओ चलो देखते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करोगे अगर अकाउंटिंग के सैंपल पेपर के बारे में, तो जो हमारा पेपर आएगा वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा फ्रेंड। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइड होने वाला है, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीन पार्ट है हमारे, पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री। लेकिन आपको जो पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में क्या मिलती है बेटा, आपको चॉइस मिलती है जैसे हमारे नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में आता था, जैसे हमारे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आता था कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। और क्या तुम्हारे पास चॉइस है बेटा? थर्ड वाली बुक जो हमारी एनालिसिस वाली है, उसमें हमारे पास क्या होती है बेटा? चॉइस होती है। सेम यहां पर तुम्हारे को सीबीएसई ने देने दिया है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपको क्या मिल रही है बेटा? चॉइस मिल रही है। ठीक है सर, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए सिर्फ दो ही पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। तीसरा पार्ट हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास थर्ड वाली बुक नहीं है। जिसके पास थर्ड वाली है तो भाई उनको भी दो ही पार्ट अटेम्प्ट करना है। पार्ट फर्स्ट लिखा है यहां पर कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट जो है कंपलसरी है सारे स्टूडेंट के लिए। इसमें जो आएगा बेटा बुक नंबर वन आ जाएगी आपकी एंड बुक नंबर सेकंड। पता है ना, दो बुक्स है हमारी। फर्स्ट बुक में से क्या आ रहा है? हमारे पार्टनरशिप में से जो चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं बात करें तो एनालाइज फर्स्ट जो बेसिक ऑफ पार्टनरशिप वो आ रहा है। और क्या आ रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है। और क्या आ रहा है बेटा? गुडविल आ रहा है। और क्या आ रहा है हमारा? एडमिशन। तो बुक फर्स्ट में से ये चार चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर फोर और चैप्टर नंबर फाइव। ठीक है बेटा, अब बुक्स सेकंड की बात करें जो हमारी कंपनी वाली बुक है, तो कंपनी वाली बुक में सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर आ रहा है। ठीक है बेटा, कौन सा? इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे टर्म वन में आ रहे हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड में हो सकता है मैं क्लिप शेयर कर दूं कि हाँ भाई ये चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट जो हमारे कंपलसरी है सारे स्टूडेंट के लिए, उसमें सेक्शंस की बात करें, देखो पार्ट फर्स्ट के अंदर सीबीएसई ने तीन सेक्शन बनाया, सेक्शन ए, बी और सी। मतलब क्या हमारे पास होने वाले हैं? तीन सेक्शन, ए, बी और सी। ए पार्ट में बात करें तो 1 से लेके 18 तक क्वेश्चंस होंगे। अभी इसके बाद हम सैंपल पेपर देखने वाले बेटा, अभी जस्ट बता रहा हूं क्या क्या है। सेक्शन ए में 1 से लेके कहां तक क्वेश्चन है बेटा? 1 से लेके 18 तक क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है। मतलब टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस बेटा कितने हैं? 18। कितने क्वेश्चन है बेटा? 18। देखो यहां पर लिखा हुआ है मैंने, कितने क्वेश्चन है बेटा? 18 क्वेश्चन होने वाले हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए किसका है? पार्ट वन का। ठीक है, तो उसमें 18 में से कितना अटेम्प्ट करना है तुम्हारे को? 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। कितने? 15। बी सेक्शन की बात करें, 18 पे खत्म हुआ था ना ये वाला, तो बी सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा? 19 से लेके 36 तक। सेम टू सेम, जैसे इसमें 18 वैसे उसमें भी क्या है? 18 क्वेश्चंस है। सेम उसमें ही भी क्या करना है? 15 क्वेश्चन सुमायो का करना है, अटेम्प्ट करना है। मतलब बेटा सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी, दोनों में तीन क्वेश्चन की आपको क्या मिल रही है? चॉइस देखने को मिल रही है। समझ में आ गया भाई? अगर सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में बेटा क्या 37 को लास्ट 36 से खत्म हुआ था, यहां पर 37 से 41 तक होने वाला है आपका। और क्या होने वाला है बेटा? इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 5 और 5 में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है? 4। मतलब सी सेक्शन में भी हमारे पास क्या है? चॉइस है बेटा। ठीक है, तो सीबीएसई ने करा ए पार्ट में, बी पार्ट में और सी पार्ट में, तीनों पार्ट में ही आपको क्या दिया बेटा? चॉइस दी है कि हाँ भाई कोई बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट वन के अंदर सीबीएसई ने कितने पार्ट बनाए? तीन पार्ट बनाए। ठीक है, 1 से लेकर 18, 19 से लेकर 36 और 37 से लेकर 41। ठीक है, और सब में हमारे पास क्या बेटा? चॉइस आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो बेटा उसमें सिर्फ कितने सेक्शन है? दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, तो लास्ट जो क्वेश्चन इसका खत्म हुआ था हमारा फर्स्ट फर्स्ट का कहां पर खत्म हुआ था? 41 पे। तो 42 से स्टार्ट होगा, 42 से 48, तो इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके पास 7 और 7 में से कितना टाइम करना है?
पांच, मतलब अनादर तुम्हारे पास यहां पे भी तुम्हारे को चॉइस देखने को मिल जाती है कि सात क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट कर लो बेटा, पांच अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और दूसरा पार्ट बनाया बी सेक्शन, ठीक है, बी सेक्शन सॉरी पार्ट नहीं बोल सकते हम, पार्ट तो दो ही है, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। और बी सेक्शन में 49 से लेकर 55 तक आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इसमें से देखो 48 पर खत्म हुआ ना, 49 से 55, मतलब क्या आपको इसमें भी सात क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से जो अटेम्प्ट करने बेटा कितना अटेम्प्ट करने, छह, समझ में आया। तो भाई पार्ट वन की बात करें तो दो सेक्शन ए और बी, इसमें भी क्वेश्चन हमारे सेम थे, और ए और बी इसमें भी क्वेश्चन हमारे सेम है, सात और सात, लेकिन फर्क क्या है, उन दोनों में 15-15 अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या अटेम्प्ट करने, पांच और छह, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, टोटल बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे को क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं बेटा कितने, 45 क्वेश्चंस तुम्हारे को अटेम्प्ट करने हैं पार्ट वन के ए बी सी सेक्शन के। ए में से कितना अटेम्प्ट करना था बेटा आपको, ए में से अटेम्प्ट करना है 15, दूसरे में से अटेम्प्ट करना है 15, और तीसरे में अटेम्प्ट करना है 4, तो 15 और 4। और पार्ट सेकंड की बात करें तो दो सेक्शन है ए और बी, एक में से 5 अटेम्प्ट करना है, एक में से कितना अटेम्प्ट करना है 6, कितना हो गया 11 और 45, 34 वन के और टू के कितने, 11, टोटल क्वेश्चन हो गए कितना 45 क्वेश्चन, मतलब बेटा 45 MCQs आने वाले हैं तुम्हारे टर्म वन के अंदर, ठीक है। अगर बात करें एक क्वेश्चन सर कितने मार्क का होगा, भाई एक क्वेश्चन कितने मार्क का होने वाला है, 40 मार्क का टोटल जो हमारे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और क्वेश्चन कितने हैं 45, डिवाइड करने कितना आ गया 0.889 का क्या होगा एक क्वेश्चन तुम्हारा होने वाला है, मतलब क्या एक सही आंसर तुम्हारे को इतने मार्क्स देकर जाने वाला है सर, ठीक है। दूसरे की बात करें वन, एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कितना समय होगा, एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कितना समय होगा, भाई देखना है एमसीक्यू 2 मिनट के अंदर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगने चाहिए बेटा, 90/45, मतलब क्या कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सीखना है कि 2 मिनट के अंदर अंदर क्या होना चाहिए बेटा, एक एमसीक्यू मैक्सिमम हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन पेपर था कि भाई हाँ कितने मार्क, कितना समय मिलने वाला है, 90 मिनट का समय मिलने वाला है, कितने मार्क का होगा सर, 40 मार्क का होगा, कौन कौन सी बुक आएंगे, बुक वन बुक सेकंड और बुक थर्ड, तीनों बुक ही डाला है, ठीक है। बुक वन में से कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा कि 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, बुक सेकंड में से 1 चैप्टर आ रहा है, बुक थर्ड में से भी कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है बेटा। तो कितने पार्ट होने वाले हैं, सिर्फ 2 ही पार्ट होने वाले हैं। आओ चलो कुछ सीबीएसई के सैंपल पेपर आप देखते हैं बेटा। ये मैं क्लिप शेयर कर रहा हूँ आपको सैंपल पेपर की, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि सैम्पल पेपर है हमारा, कितना टाइम अलाउ 90 मिनट्स और जो मार्क्स है हमारे 40 मार्क का है, और बोला पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में है, टोटल 69 क्वेश्चंस है, पार्ट वन कंपलसरी है, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में कंप्यूटराइज, और पार्ट सेकंड में एनालिसिस वाला है, पार्ट थर्ड में कंप्यूटराइज है। पार्ट वन में कितने पार्ट लिखे हैं, ए बी सी, ठीक है, 1 से लेकर 18 तक है, बी में कितना 36 तक है, और 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कोई से भी तुम्हें दोनों पार्ट में, सी वाले पार्ट में 37 से 41, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, सारे मार्क्स सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क के हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आगे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ बेटा, आपको दिख रहा होगा आपको लिखा है ना पार्ट ए 1 से लेकर 18, और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने बेटा आपको, 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं धीरे धीरे ड्रैग कर देता हूँ ऊपर, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, सारे हमारे ये जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बेटा, हमारे एमसीक्यूज ही आ रहे हैं, ठीक है बेटा।
जैसा कि देख रहे हो बेटा आप सब, सारा एमसीक्यू ही आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हो या 9 हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो बेटा, सारे के सारे क्या आ रहे हैं बेटा, हमारे एमसीक्यू ही आ रहे हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कुछ बी पार्ट में देखो केस स्टडी वाइज भी क्वेश्चन आए हैं। अभी पहले 15 तक ख़त्म हो जाए हमारा ये, उसके बाद आपको दिखाई देगा। 13 चल रहा है अभी हमारा, नैन अभी ये 14 आ गया है और अभी 15 आने वाला है हमारा, ठीक है बेटा। 18 तक है ना हमारे पार्ट्स। ओके बेटा 15 ख़त्म हो गया, 16 ये हमारा क्वेश्चन है, सारे के सारे एमसीक्यू है बेटा, ठीक है। तो ओएमआर सीट जो आपको बताया गया उस पर आपको एमसीक्यूज का करने पड़ेंगे बेटा, आपको करने पड़ेंगे। पार्ट बी स्टार्ट हो चुका है, 19 से लेकर 36 तक है और जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस क्या करने बेटा, अटैम्प्ट करने। देखो एक केस स्टडी दे दी ना आपको, इसमें से ही सारे क्वेश्चंस होने वाले बेटा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है 23-25, तो ये जो हमारा सैम्पल पेपर है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करो, इन्फॉर्मेशन को बांटो और चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो वीडियो और दूसरों को भी दिखाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।